दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त गौस। दोस्तों ये रही मेरी सुप्रो गाड़ी और जो मैं इसको कल रात में ही लोड करके रखा, और यहाँ पर है अपनी जीतो गाड़ी और ये रही मेरी बाइक। तो दोस्तों अभी इसे ही खाली करने जा रहा हूँ मैं सुप्रो गाड़ी को, और सुप्रो गाड़ी का लोड देखिए आप, फुल लोड है और गाड़ी की जो बॉडी है बॉडी से भी 1 फीट बाहर है, और मुझे जाना है बहुत ख़तरनाक चढ़ाव पर, तो वहीं लेके जा रहा हूँ अभी इसको मैं। और ये देखिए दोस्तों बैटरी को पूरा फिक्स कर लिया हूँ, और बैटरी मेरी सेफ है अभी, बैटरी चोर होने का डर नहीं है। और गाड़ी तो कहा देखिए यहाँ का इंडिकेटर टूट गया, चलो कोई बात नहीं है, अब रोड पे निकले बात होते रहता। और ये आ गया मैं सुप्रो गाड़ी में, अभी चालू करना चाबी। और गाड़ी देखिए 21,435 किलोमीटर चली, और ये प्रॉब्लम देखिए चले गया था फिर से आ गया, अभी 375 रुपये इंजन हाफ बता रहा, और कल ही जो है इसमें मैं लिक्विड डाला, टैंक फुल लिक्विड है फिर भी ये प्रॉब्लम बता रहा। तो देखेंगे अगर वो 0-0 हो गया तो क्या प्रॉब्लम होता गाड़ी में। अब बहुत जने तो बोल रहे 0-0 हो गया तो गाड़ी बंद हो जाती, तो अभी करते हैं इसे स्टार्ट। तो दोस्तों बहुत जने बोल रहे हैं अगर 0-0 हो गया तो जो है इंजन स्टार्ट नहीं होता इसका, और वो जो बता रहा प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम हट गया तो इंजन स्टार्ट होता, अगर वो 0-0 हो गया तो इंजन चालू नहीं होता इसका, गाड़ी बंद हो जाती। तो वही देखेंगे अभी, तो जो है लिक्विड डालते पर भी उसके अंदर की जो रीडिंग कम होती आ रही है, अभी 375 रुपये है। तो अभी मैं जा रहा हूँ कम से कम 50 किलोमीटर तो रन होगी गाड़ी, तो देखेंगे उसमें 50 किलोमीटर कम होता है या कुछ होता है। तो दोस्तों गाड़ी जो है निकाल लिया मैं, अभी जा रहा हूँ कांटे के पास, गाड़ी काटा करेंगे उसके बाद जो है। तो यहाँ पर है कांटा जो हमेशा गाड़ी काटा कराते हैं हम, अभी निकली गाड़ी अपन लेंगे फर्स्ट गियर में। ये लग गई गाड़ी कांटे पे, तो भैया गाड़ी हो गई काटा अपनी, और अभी जो है गाड़ी तो काटा हो गई, अभी कस्टमर को फोन करेंगे, और ये रही स्लिप। तो अभी जो लोड हुआ गाड़ी में वो हुआ 15 क्विंटल 40 किलो, और ये रहा स्लिप। तो 15 क्विंटल 40 किलो इसमें अभी लोड है, तो अभी जो है कस्टमर को बोलना पड़ता 15 क्विंटल 40 किलो है, उन्होंने उतना लेते रहते तो उतना पैसा है नहीं है उनके पास, पूछना पड़ता, पूछ के जाना पड़ता, और रास्ता भी ख़तरनाक है। मेरे ख्याल से 15 क्विंटल लकड़ी लेके गाड़ी नहीं चढ़ती वहाँ पे, क्योंकि बहुत ख़तरनाक चढ़ो है, या तो आधी आधी करके चढ़ाना पड़ता या तो कम से कम 20-25 आदमी ढकलना पड़ता, तो जब जाके गाड़ी चढ़ती है। देखेंगे देखेंगे क्या क्या होता, देखते रहिए आप भी। तो अभी जो मैं कस्टमर को फ़ोन करता हूँ, तो भैया कस्टमर से बात हो गई, अभी कस्टमर को बोला मैं 15 क्विंटल 40 किलो लोड है और गाड़ी जो इतना लोड लेके नहीं चढ़ती ऊपर, तो उन्होंने बोला 4 आदमी है मेरे पास, 4 आदमी ढक लेंगे, 4 आदमी से भी नहीं चढ़ती गाड़ी, कम से कम 15 आदमी होना पड़ता उसको, 10 से 15 आदमी गाड़ी ढकलने को जब जाके चढ़ती, क्योंकि लोड ज़्यादा है और रास्ता भी ख़राब है और बहुत चढ़ाव है, बहुत उठान है। अगर रास्ता ख़राब रहता, लेवल रोड लेवल रास्ता रहता तो गाड़ी चलती थी आराम से, और उठान पर रास्ता ख़राब है, चढ़ाव पर ही रास्ता ख़राब है, पलटी होने की भी चांस है, गाड़ी रिवर्स भी आ जाती है, अगर गाड़ी रुक गई तो ब्रेक पे भी नहीं करती, तो इसलिए जो है बहुत रिक्स का काम है। तो देखेंगे इंशाल्लाह क्या होता है, अभी तो जा रहा हूँ मैं कस्टमर के पास, देखेंगे अगर वहाँ पे 15-20 आदमी आ गए तो गाड़ी आराम से चलती। यहाँ पे देखिए एक सामने चौरस्ते पे ज़बरदस्त, ये है सर्विस रोड और यहाँ की जो है बाईपास है और ये उसी की सर्विस रोड है, साइड रोड, तो हमें जो है साइड रोड से ही जाना है सर्विस रोड से। तो भैया अभी पहुँचा मैं कस्टमर के पास में, मेरे को चढ़ाना है यहाँ पे ऊपर, और कस्टमर अभी तक नहीं आया, और रास्ता देखो आप कैसा है, एकदम उठान है ऊपर तक, ये पूरा चढ़ाना है यहाँ पे, जो ज़रा सामने उठान और ऊपर उठान है, अभी क्या करती कि गाड़ी गाड़ी घुमा के लाना पड़ता, गाड़ी घूमेंगे बोल तो दो बड़े बड़े गाड़ियाँ आ गए इधर से, और स्पीड में जाएंगे बोले तो यहाँ पे मार दिया खड्डा, गाड़ी स्लो करके जाना पड़ता। यहाँ पे रोक के ठहरता हूँ मैं, तो नहीं देखो कैसा चढ़ाव है, ये चढ़ाव चढ़ाना है, अभी आपको उतना दिख रहा नहीं होगा कैमरे में, मगर बहुत उठान है ये,
एकदम से उठाने, कम से कम जमीन से और ऊपर तक बोले तो कम से कम 10 फीट 12 फीट का हाइट है सिर्फ 4 कदम पे। बहुत हाइट है ये, हाइट मेरे को ऊपर लेके जाना है गाड़ी। 15 कुंटल 40 किलो लोड है तो वही मैं बता रहा हूँ आपको। और यहाँ पे देखिए, अभी वहाँ से जब मैं गाड़ी निकाला था तो 375 पे इंजन ऑफ बता रहा था और अभी जो है 355 पे इंजन ऑफ बता रहा। ये अगर 00 अगर हो गया यहाँ पर, 00 अगर हो गया तो ये गाड़ी बंद हो जाती बोल के तो बोल रहे बहुत जन। अभी मेरे साथ तो ऐसा हुआ नहीं, तो वही देखेंगे हम। अगर 00 हो गया तो, अगर गाड़ी बंद हो गई तो समझ लो बेकार है गाड़ी लेना, ऐसा नहीं होना। कल ही इसमें मैं टैंक फुल लिक्विड डलाया और लिक्विड डलाते पर भी ये बता रहा, 1 महीना तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अभी बता रहा ये अगर 00 हो भी गया, गाड़ी बंद नहीं हुई तो गाड़ी सही है और सही गाड़ी है। अगर 00 हो गया गाड़ी बंद हो गई तो बेकार है, ये गाड़ी लेना है बेकार है। गाड़ी चलने करने में अच्छी है, मैं गाड़ी को कोई नाम नहीं रख रहा हूँ और गाड़ी ख़राब है बोल के नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में बता रहा हूँ। और मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम वही है और दूसरा प्रॉब्लम नहीं है। और एक बात, नई गाड़ी इसलिए लिया मैं क्योंकि मैं क्या कोई भी हो नई गाड़ी इसलिए लेते हैं, 4-5 साल तक जो है गाड़ी को कोई देखना नहीं रहता, सिर्फ ऑयल चेंज करना चलाना रहता। तो वो हिसाब से जो है नई गाड़ी खरीदते, नई गाड़ी खरीदने के बाद ऐसा प्रॉब्लम आ गया तो क्या करना बोलो आप ही बोलो। अभी मैं लिया था नई गाड़ी, 9 महीने पुरानी गाड़ी है और 9 महीने पुरानी गाड़ी है और 3 महीने में मेरे को वो प्रॉब्लम आया था। फिर मोहम्मद भाई के पास स्कैनिंग करके और सेंसर को क्लीन करके जो जो भी है पूरा चेक करके उन्होंने जो है प्रॉब्लम सॉल्व करके दिए थे। 1.5 महीना प्रॉब्लम नहीं बताया, फिर अभी बता रहा इसमें लिक्विड भी डाले कल, प्रॉब्लम बता रहा बोल के यार लिक्विड ख़त्म हो गया होगा इसलिए बता रहा बोल के इसमें लिक्विड भी डाले, फिर भी प्रॉब्लम बता रहा। और रोज़ का रोज़ रीडिंग कम होती आ रही इसकी। अभी देखिए ना, आज की बात है सुबह में, अभी जब जहाँ से गाड़ी लेके निकला 375 था, यहाँ कस्टमर कन पहुँचते कि 355 पे आ गया सीधा, जो है 20 किलोमीटर कम हो गया इसका। तो अभी शाम तक मैं घूमूंगा और 55 किलोमीटर। तो ऐसे 1-2-3 दिन में जो है रीडिंग कम होके ज़ीरो हो जाती। ज़ीरो हो गई तो गाड़ी स्टार्ट होती नहीं होती वही देखना है मेरे को और आपको भी वही बताना है। अगर स्टार्ट हो गई गाड़ी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप गाड़ी ले सकते हैं। अगर 0-0 हो गया, स्टार्ट नहीं हो रही गाड़ी, तो बेकार है गाड़ी लेना, गाड़ी लेना ही बेकार है। क्योंकि नई गाड़ी इसलिए लेते कभी परेशान नहीं होना और 4-5 साल तक जो गाड़ी को देखने का नहीं रहना, वो सोच के नई गाड़ी लेते। अब नई गाड़ी लिए बाद भी देखिए ये प्रॉब्लम है। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, देखिए अभी उसमें जो है अभी का अभी 20 किलोमीटर कम हो गया, अभी शाम तक और मैं 25-30 किलोमीटर घूमता हूँ, इधर 50 किलोमीटर भी घूम सकता हूँ, तो 300 पे आके रुक जाता। ऐसे 2-3 दिन में अगर 0 हो गया, गाड़ी बंद पड़ गई, जब स्टार्ट ही नहीं हो रही, जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करे तो क्या फ़ायदा गाड़ी लेने का। अब मैं प्रॉब्लम सॉल्व भी करा था, फिर से प्रॉब्लम बता रहा, फिर मैं सॉल्व करूँगा फिर बताता, तो ये नहीं रहना। वो 0-0 भी हो गया तो गाड़ी चलते रहना। तो देखेंगे क्या क्या होता है, देखते रहिए। आप भी अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कर रहा हूँ यहाँ पे कस्टमर का वेट और कस्टमर आते कि गाड़ी ढकल के ऊपर लेके जाना है, ऊपर से तो आ रहे आदमी अभी, तो देखेंगे बहरहाल क्या होता है। और ये अगर 0-0 हो गया, स्टार्ट होती ना होती आपको बता दूंगा मैं। और अगर कभी भी इस गाड़ी के साथ कुछ भी प्रॉब्लम होंगे मैं आपको तुरंत बता दूंगा। और गाड़ी के बारे में मैं आपको बताते ही आ रहा हूँ, शोरूम गाड़ी लिया था और कुछ प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में, वो एक प्रॉब्लम है, कभी आ रहा कभी जा रहा। तो देखेंगे अभी 300 किलोमीटर तक हो सका तो सॉल्व भी हो सकता, मालूम नहीं है, वो सेंसर है, कुछ भी हो रहा उसके साथ, कभी 0 हो जाता है, कभी जो है 0 तो नहीं हुआ, सॉरी अभी तक तो 0 नहीं हुआ और 300 तक भी नहीं आया, 700-500 इतने पे आके रुकता था, अभी जो आपकी बार पूरा 355 पे आया। तो देखेंगे हल्लो और कम होता क्या होता, देखते रहिए। अभी आदमी को बुला गाड़ी ढक लेंगे ऊपर, ये देखिए रास्ता कैसा उठाने है। ऐसा रास्ता है, अब ये लोड गाड़ी रख के अगर वहाँ चढ़ो फिर रुक गया, ब्रेक मारे तो ब्रेक भी नहीं लगता, सीधा नीचे आती गाड़ी फिसल के, इसलिए जो है वेट करना पड़ रहा। आ रहा 4-5 आदमी ये चाहे क्या, देखेंगे क्या होता नहीं होता, मुझे दिख रहा यही है इधरी आ रहा। और देखिए रास्ता कैसा है, देख रहे हैं 6-7 आदमी और भी आया था, वो चले गया लगता है। अरे वो 4 आदमी से कहाँ चढ़ता जी, गाड़ी नहीं चढ़ता, बुला के पूरा आदमी से ढकलने लगा दो एक बार, चढ़ जाता, देखो चढ़ो कैसा है। आ रहा है, कितना आदमी है,
आदमी तो है वो 50 आदमी 50 आदमी लेकिन अभी मार्केट भी गया। अरे कितना है? खाली दो कदम टहल जो चढ़ जाता वो सामने का इतना चढ़ाव चढ़ गया तो चढ़ जाता 8-9 हो जाएगा ना। अभी 4-5 आया और 4-5 पीछे है। अगर वो उठान दे रहा था तो भी मैं सीधा चढ़ाता था। देख रहे हैं कैसा है? बहुत डेंजर है वहाँ का। अच्छा था पहले का पीछे का? पहले वाला अच्छा था और वहाँ से भी अच्छा था। उधर से नया रास्ता खोल के परेशान कर दिया। थोड़ा कम करना है इसको, सही होता है। ये आ रहा आदमी तुम्हारा है? पीछे वाला हमारा है। बुला बुला बुला। आ रहा है ना, इधर ही आएगा। अभी बुलाओ जी वहाँ उधर हाथ दियो। पहले वाला नहीं बोला ना, पीछे वाला है, चार है। ओए इधर आओ मामा, गाड़ी ढकलना है तुम्हारे यहाँ से। आधे घंटे से बैठो यहाँ पे। तो अभी आए कस्टमर, अभी आया कस्टमर, ढकलना पड़ता। चल इतने से नहीं जाता जी गाड़ी। और बोलो। तो दोस्तों अभी निकाल रहा हूँ, 15 आदमी मिलकर ढकल रहे। जान दे, जान दो। मुश्किल है बॉस। पीछे ले, पीछे चलो। डर हो रहा चढ़ाने, चलो लग लो। डर हो रहा भाई। बिस्मिल्लाह। चढ़ गए उस्ताद। चढ़ गई। अरे चढ़ोगे देखे तो डर हो रहा था भाई। आ गए अपन कॉलोनी में, अभी टेंशन नहीं है। पहले का रास्ता इधर से था, इधर से बंद करके नया रास्ता खोद दिया, परेशान कर दिया। बहरहाल चलो आ गए फटाफट। खाली कहाँ लगाना गाड़ी? बैठो भाई बैठो, टिको। किधर लगाना है? किधर लगाना? मेस किधर है? लेबर मेस अली का। हाँ अली का। हाँ किधर है? इधर जाना आप, इधर से जाना। लोड दबा के मामा तो दुकान ही खोल लिया। मैं भी टकला बना ले क्यों गया यहाँ पे। कहाँ से आए तुम? इधर में जाओ उधर से। इधर में जाओ उधर से। कैसा लगा ना? उसमें उसके ऊपर गिरेगा वो, गली में गिरेगा। गाड़ी घुमा के ले जाएंगे। क्या बोलते? गाड़ी घुमा के ले जाएंगे यहाँ पे, घुमाएंगे। तो भैया लग गए गाड़ी कस्टमर के पास, और इन्होंने देखिए गाड़ी के साथ बैठ के भी आ गए। हाँ अरे लगाई के बाद बोलते मामा, तुम इधर बोले ना, तुम उधर गिराना। आप देखो गाड़ी हटाना का, हटा देंगे बस। तो लग गए गाड़ी हटा के, लगा दिए अभी तो फटाफट खाली करेंगे यहाँ पे। दोस्तों गाड़ी लग गए हमारी अनलोडिंग के लिए, और इन्हों लुंगी बल्ले के रेडी हो गए गाड़ी खाली करने। किधर गया रो? तो फटाफट देखिए इतना लोड है इसमें, ऐसा लोड है और बॉडी से बाहर है 7 फीट। इसलिए क्या है, गाड़ी उठने का भी डर था मेरे को, और 8 आदमी 9 आदमी मिलकर ढक ले, चढ़ गई गाड़ी आराम से। तो फटाफट यहाँ पे खाली होने वाली है, खाली करेंगे। तो फटाफट हो रही भैया गाड़ी खाली, लुंगी बल्ले के दबा के फेंक रहे हो लकड़ी। फेंको मामा जल्दी जल्दी फेंको लकड़ी, तो लुंगी बल्ले के इन फेंक रहे। सुने मामा, लकड़ी तो लुंगी बन के इन फेंक रहे। तुम्हारा पसीना निकल गया बोल रहे, पसीना इनका निकल रहा, तुम्हारा नहीं निकल रहा। तुम खाली शर्ट निकाल के तुम मेहनत कर रहे जैसा दिख रहा। ये तो कहना फेंक रहे, कहाँ तक जा रहे देखे। फेंको, गाड़ी खाली हो गया था बस। पैसे कौन दे रहे हैं? तो भैया हो गई गाड़ी खाली। मैं बोला जरा झाड़ू ला के चूरा चारा साफ कर लो। अरे अच्छा करे बाबा, थोड़ा मार दो, एक हाथ मार के ढकल दो। क्या बोलते? मेरे को नक्को मारो जी, गाड़ी में मारो। साफ मारो, साफ। हाँ साफ करो। तो हो गए गाड़ी है फटाफट, इसी लेंगे निकलेंगे यहाँ से। उसके बाद जो है अब शाम में जो है कलेक्शन को जाना है। तो अभी जो है 2-4 घंटे हम वेट करेंगे, कारण तो अभी आराम करेंगे। उसके बाद जो है शाम में आपसे बात करेंगे, क्योंकि पैसे लेने जाना है। तो शाम में ही बात करेंगे, देखेंगे कौन सा कस्टमर पैसे देता, कौन कौन नहीं देता। तो अभी दोस्तों शाम तक आराम करेंगे और शाम में आपसे बात करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए सुबह से हो गई शाम,
गाड़ी खाली करके जो है मैं 2-3 घंटे के लिए रुका था, क्योंकि मेरे को शाम में जो मैं लकड़ी डालता हूँ वो पैसे जो है मेरे को शाम में मिलते हैं। तो अभी बज रहे हैं 7:30 का टाइम हो रहा, तो अभी जा रहा हूँ मैं पैसे लेने के लिए जो मैं लकड़ी सप्लाई करता हूँ। मेरे को कुछ कस्टमर जो है संडे को संडे पेमेंट कर दे, तो आज है संडे तो मैं अभी जा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं जो है जिसका पैसे आना था एक आदमी से पैसा मिला, और बाकी के जो तो बाकी के जो 3-4 कस्टमर थे उनको फ़ोन करके पूछ लिया, उन लोग बोल रहे गूगल पे फ़ोन पे कर देता हूँ। तो अभी जो है मैं जा रहा हूँ सीधा घर, क्योंकि अभी कहीं जाके फ़ायदा नहीं है, कहीं पे भी पैसा मिलने वाला नहीं है, तो कल जो अकाउंट में आ जाता। तो दोस्तों अभी जा रहा हूँ मैं घर। देखिए दोस्तों रात कितनी हो गई, अभी जा रहा हूँ और इसमें देखिए अभी क्लियर दिखेगा आपको, अभी बता रहा 340 किलोमीटर इंजन ऑफ। सुबह में बता रहा था गाड़ी निकालते समय 375 किलोमीटर, सीधा सीधा जो है अभी 35 किलोमीटर कम हो गया उसमें। और गाड़ी देखिए अपनी कितनी चली है, 21,472 किलोमीटर। तो अभी जा रहा हूँ मैं घर। क्योंकि दोस्तों अभी हो गया काम ख़त्म, गाड़ी भी खाली हो गई, कस्टमर से बात भी हो गया कि पैसा कल मिलेगा, एक कस्टमर से मिला अभी, बाकी का जो कल मिलेगा। तो अभी जाते हैं घर। तो भैया देखिए गाड़ी में डीजल भी नहीं है, और डीजल भी डलेंगे अभी। और यहाँ देखिए और 5 किलोमीटर कम हो गया, अभी बता रहा 335, शायद हल्लो हल्लो ज़ीरो होता है, क्या प्रॉब्लम देता देखेंगे, गाड़ी के साथ कुछ भी होंगे तुरंत आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी। तो अभी डलाते हैं इसमें डीजल, डीजल भी ख़त्म पे है। तो दोस्तों ये रहा डीजल पंप भारत ब्रांच, भारत पेट्रोल पंप, यहाँ पे करेंगे अभी टैंक फुल। ये देखिए काटा पूरा लाल पे है, टैंक फुल है भाई, टैंक फुल, चलो डीजल। बस छोड़ो, बस 2500 का हो गया ना। तो दोस्तों अभी हो गई गाड़ी का टैंक फुल। दोस्तों हो गए टैंक फुल और गाड़ी चली 21,475 किलोमीटर, अभी इसमें बता रहा 335 किलोमीटर इंजन ऑफ। ये कम होते ही आ रहा दिन पे दिन, देखेंगे क्या होता उसका। तो अभी जाएंगे सीधा घर। तो दोस्तों अभी आ गया मैं मेरे एरिया में, और यहीं पे जो है मेरी पार्किंग है जहाँ पे मैं गाड़ियाँ पार्किंग करता हूँ। तो दोस्तों अभी हो गई मेरी गाड़ी पार्क, और मैं भी गाड़ी पार्क कर दिया, और अभी देखिए अभी लगा दिया मैं गाड़ी, और अभी देखिए इसके मीटर में बता रहा अभी 325 किलोमीटर। और वहाँ पर है मेरी बाइक, बाइक के सामने लगी हुई है मेरी जीतो गाड़ी, बताता हूँ आपको अभी वो भी। तो दोस्तों ये रही सुप्रो गाड़ी, सुप्रो गाड़ी की जगह पर सुप्रो गाड़ी लग गई, और यहाँ पर है मेरी बाइक पल्सर 150, और उसके सामने है महिंद्रा जीतो गाड़ी, जो उसका इंजन मैंने जब से एक बार ऑयल चेंज भी हो गया उसका। तो ये गाड़ी है अभी जो मैं शोरूम से लाया था, नई गाड़ी 9 महीने पुरानी। तो इसमें जो है वही मीटर में प्रॉब्लम बता रहा, और सुबह जो है गाड़ी मैं अभी भी गाड़ी जो ऐसे पार्क करता हूँ, पीछे की बॉडी जो रोड की तरफ और सामने की जो कैबिन है अंदर की तरफ। तो आज सुबह क्या करा था मैं, लोड था बोल के सामने की तरफ करके रखा था कैबिन, और बॉडी जो है पीछे की तरफ करके रखा था, जैसे कि आप सुबह देखें। तो अभी देखिए अभी आ गया मैं सुप्रो गाड़ी में, और ये देखिए अभी इसमें बता रहा 325 किलोमीटर, और सुबह ले जाते समय बता रहा था 375 किलोमीटर। तो गाड़ी 50 किलोमीटर चली और 50 किलोमीटर इसमें कम हो गया। तो देखिए दोस्तों जैसे कि अब 50 किलोमीटर कम हुआ इसमें, और मैं जो है यही प्रॉब्लम सॉल्व करा था, तो मेरे को एक महीने के ऊपर प्रॉब्लम ने बताया गाड़ी में, और 2-3 दिन से प्रॉब्लम बता रहा है। तो प्रॉब्लम जो बता रहा वो कम होते नहीं आता था, सिर्फ 500-700 पे रुका हुआ रहता था।
तो अभी जो है कम होते आ रहा, 325 पे आ गया, तो और एक दो दिन में देखेंगे और कम होता है क्या। अगर 0-0 हो गया तो गाड़ी अगर स्टार्ट होती ना होती वो भी देखेंगे। तो देखते रहिए आप भी, और वही बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। जैसा कि आप लेना चाह रहे होंगे सुप्रो गाड़ी, तो सुप्रो गाड़ी बहुत अच्छी गाड़ी है चलने में और लोड खींचने में, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ वही चेक सेंसर का प्रॉब्लम है। और मेरे को उससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मेरे को सिर्फ एक चीज़ होना है, अगर वो 0-0 हो गया तो गाड़ी बंद नहीं हुई तो मेरे लिए बहुत अच्छी गाड़ी है, मेरे लिए क्या सबके लिए भी। अगर 0-0 हो गया, बंद हो गया, फिर वो काम कराए, फिर से 0-0 हो गया, फिर बंद हो गई, लिक्विड रहते पर भी, तो बेकार गाड़ी है, ये मेरा बोलना है। तो देखेंगे, अभी तो है 325 पे, और एक दो चार दिन में जो है 325 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल जाती है। अगर 0-0 हो गया तो, अगर बंद हो गई तो बेकार गाड़ी है, और हालांकि इसमें लिक्विड भी है, आपके सामने ही मैं बताऊंगा लिक्विड भी, अभी नहीं, एक दो चार दिन के बाद जब 0-0 होता उस टाइम बता दूंगा मैं आपको, लिक्विड भी इसमें टैंक फुल है। तो अभी मोहम्मद भाई से भी बात हुई थी, उस टाइम मैं उनको बताया तो उन्होंने क्या बोले, 60 किलोमीटर नॉन स्टॉप गाड़ी चलाने को बोले, और नॉन स्टॉप गाड़ी चली भी नहीं 60 किलोमीटर, एक बार वो भी ट्राई करके देखेंगे, अगर चलेगा तो अच्छा है, नहीं चलेगा तो जो है ऐसे देखेंगे। 0-0 हो गए बाद अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो बेकार है भैया गाड़ी लेना, क्योंकि मैं ले लिया ले लिया। अगर 0-0 हो गए बाद अगर बंद हो गई तो आप लोग मत लो, बंद नहीं होना चाहिए गाड़ी। 0-0 भी हो गया सेंसर में तो बंद नहीं होना, क्योंकि इसमें लिक्विड है, आप मेरे पे भरोसा कर सकते हैं। मैं 2 दिन पहले ही लिक्विड डाला मैं इसमें, 2 दिन पहले या कल, सॉरी 2 दिन पहले ही डाला, 2 दिन पहले इसमें लिक्विड डाला मैं, टैंक फुल लिक्विड है, लिक्विड के अब तक कोई शिकायत नहीं है, टैंक फुल लिक्विड है, पूरा 20 लीटर का टैंक है तो 20 लीटर लिक्विड है इसमें। लिक्विड रहते पर भी रीडिंग कम होते आ रहा, कम हो गए बाद भी गाड़ी चलते रहना, स्टार्ट करते ही स्टार्ट होना। तो देखेंगे, ऐसा कुछ हुआ तो आपको तुरंत मैं बता दूंगा और कंटिन्यू आपको बता दूंगा कितना कम हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको जो गाड़ियों से रिलेटेड इसी तरह वीडियो मिलते रहेंगे। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।